अल्लाह का लाखों करम है, लाखों करम। दिल खुश होगा, दिल 2009 में जब आया था तो यही मुस्कान देखी थी, लेकिन आज तो उन आंखों में ऐसा प्यार देखा। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज कलवा मुमरा विधानसभा चुनाव का पर्चा एनसीपी के जितेंद्र हवाड ने भर दिया है। आज जितेंद्र हवाड की रैली में एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार भी पहुंचे। हालांकि शरद पवार कलवा से रेती बंदर और रेती बंदर से लेकर अंबर होटल रसीद कंपाउंड तक ही नामांकन की रैली में रहे। उसके बाद रसीद कंपाउंड से शरद पवार वापस चले गए, लेकिन एनसीपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम काफ़ी दिखाई दी। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, आपने पहले भी तस्वीर देखा है। देखिए नामांकन करने के लिए लोगों का जोश किस तरह का है। और इस बीच नामांकन करने के बाद विधायक जितेंद्र हवाड ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा है। दिल खुश होगा, दिल 2009 में जब आया था तो यही मुस्कान देखी थी, लेकिन आज तो उन आंखों में ऐसा प्यार देखा कि मेरे इतना खुशनबी नसीब शायद ही दूसरा को भी। सर अभी कहा जा रहा है, अल्लाह का लाखों करम है, लाखों करम कि ये प्यार उस ऊपर वालों ने मुमरा के जरिए से मुझे दिया है। खास मेरे पास हाथ पवार साहब थे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस बड़े महात्मा का। इतने धूप में जब मैं थक गया, वो आदमी एक गिलास पानी भी नहीं दिया। और एक आदमी हम अपने कार्यकर्ता के लिए क्या कर सकता है, वो सब उन्होंने कर दिया है। जो एक बाप को अपने बेटे को, मैं बेटा नहीं हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता के ऊपर कैसे दिलो जान से प्यार करता है हमारा बाप, वो आज उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया। और क्या बोला, और कौन लोग थे साथ में? कन्हैया कुमार थे, कन्हैया कुमार वापिस आने वाले हैं रैली लेने। दिग्विजय सिंह का संदेश आया है 13 तारीख को, वो रैली लेने आने वाले हैं। और भी बहुत लोग आने वाले हैं। ये चुनाव आपका किस मुद्दे के साथ है? डेवलपमेंट के साथ है। और इस देश में जो धार्मिक द्वेष की लड़ाई बहुत मजबूत होती जा रही है, उसके खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ हमारा संघर्ष शुरू है और शुरू रहेगा। डेवलपमेंट हमारा अहम मुद्दा रहेगा। तो आपने सुना जितेंद्र हवाड ने क्या कहा है। बहरहाल एनसीपी के जितेंद्र हवाड व उनके कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए ठाणे जोन 1 के डीसीपी एसएस बुरसे ने पुलिस की कड़ी बंदोबस्त किया था, जिसमें एसीपी जो वो थे और मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ और मुमरा पुलिस की पूरी टीम तैनात थी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।